Now let's start the video. Now you just simply Windows plus R and open run command. So type msconfig. Msconfig your PC run within a safe mode without any network and internet connectivity. How to run your PC in safe mode and decrypt your file within a few minutes. I'll show you with this trick. This trick is 100% working. So msconfig open. सबसे पहले आप लोग msconfig window run command open कर लेना है. उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे general के बाद boot का option दिखेगा. Now click on the boot. Now you have to click on the safe mode. आप लोगों को यहाँ पे safe mode पे click करना है. After clicking the safe mode, you just click on network. If you are selecting this network, your PC unable to connect with any LAN or any type of Wi-Fi, so you just aware of it and your PC is restart within a few minutes when you click on apply. आप लोगों को सबसे पहले जो बोट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, बोट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेफ बूट पे क्लिक करना है. सेफ बूट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपल से नेटवर्क पे क्लिक करना है. नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद ये होगा कि आपका जो PC है वो किसी भी प्रकार की जो वाईफाई है उससे कनेक्ट नहीं होगा और ना ही किसी भी प्रकार का जो कि लैन वाईफाई है या फिर लैन जो इंटरनेट कनेक्शन है उससे कनेक्ट नहीं होगा. हमें सबसे पहले हमारे पीसी को अनकनेक्ट करना पड़ेगा किसी भी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन से, क्योंकि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो ही हमारा जो पीसी है वो सही से रन कर पाएगा और तभी हम जो है वो जो कि वायरस को रिमूव कर पाएंगे. जब तक हमारे पीसी पे अगर इंटरनेट कनेक्शन रहेगा वो लोग हमारी एक एक जो पीसी पे जो भी हम लोग कुछ भी हरकत करते हैं तो वो लोग उस चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं और वो हमें हमारी जो फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट नहीं करने देते. तो आप लोगों को कैसे फाइल को डिक्रिप्ट करना है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ. सबसे पहले आप लोगों को msconfig ओपन कर लेना है. msconfig ओपन करने के बाद सिंपल से बूट पे क्लिक करना है. उसके बाद से बूट पे क्लिक करना है. नाउ देन क्लिक ऑन अप्लाई. इफ यू आर क्लिकिंग ऑन अप्लाई योर पीसी डजंट एबल टू कनेक्ट विद एनी टाइप ऑफ वाईफाई और इंटरनेट सर्विसेज सो बी अवेयर. नाउ क्लिकिंग ऑन अप्लाई योर पीसी इज स्टार्ट एंड रिस्टार्टिंग विद इन ए फ्यू मिनट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर. आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है. इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ये सॉफ्टवेयर की जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत ही महंगी है. आप लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इसके लिए आप लोगों के लिए मैं क्रैक वर्जन लेके आया हूँ. जो क्रैक वर्जन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी. आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे को यहाँ पे DM कर सकते हो. तो सबसे पहले आप लोग क्रैक वर्जन नाउ क्लिक ऑन रिप्लेस. After this file moving in your real file location, you just have to open this software. If you click on all the files, your software will remove your virus and decrypt your files. So you just unclick all the files. आप अगर all files पे या all data पे click करते हैं तो आपके जो PC है वो बहुत ज़्यादा time ले लेगा. तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग सिर्फ वन बाय वन यहां पे क्लिक करें. सबसे पहले आप लोग फोटोज़ को रिकवर कर लें, वीडियोज़ को रिकवर कर लें, ऑडियो को रिकवर करें या फिर डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर लें. लेकिन आप लोग ओल्ड डेटा को रिकवर एक साथ मत करिएगा. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई भी एक जो रिकवर टूल है वो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ. इस टूल में मदद करने से पहले मैं एक टूल की मदद बताऊँ. इस टूल की मदद से आप लोग अपने जो डेटा है वो यहाँ पर रिकवर करने वाले हो और इस टूल की जो मदद करने वाला है जो वायरस को रिमूव करेगा वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा. तो वीडियो में बने रहें. तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन वन फाइल्स एंड यू जस्ट क्लिक योर स्टोरेज. नाउ जस्ट आई माय फोटोज इन दिस फोल्डर. सो आई जस्ट क्लिक एंड स्कैनिंग इज कम्प्लीटली सक्सेसफुल. दीज आर द फाइल्स विद इन डिक्रिप्टेड बाई वायरस. This is the file decrypted with my virus. So you just install the another software name Yeah.
यहाँ पे अपनी जो फाइल है वो आप लोग कैसे जो डिक्रिप्ट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग कैसे जो वायरस को रिमूव करना है तो उसके पहले आप लोगों को गूगल क्रोम या फिर कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को ये जो डेटा रिकवरी टूल, जो वायरस रिकवरी टूल है, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। वायरस रिकवरी टूल का जो नेम है वो है स्पाई हंटर 5। जी हाँ दोस्तों, स्पाई हंटर 5 आप लोगों को यहाँ पे डालना है और सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग सिंपली से वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक पावरफुल जो वायरस डिटेक्शन टूल है जो आपके जो पीसी में जो वायरस होगा वो यहाँ पे रिमूव कर देगा। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, या ऐसा आप लोग इसे बाय भी कर सकते हो, लेकिन ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक जेन्युइन और स्पाई हंटर टूल है। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो अपनी जो फाइल्स है उनमें से जो वायरस है वो रिमूव कर सकते हो। तो आप लोगों को मैंने दोनों चीज बता दी गई है कि कैसे आप लोग फाइल को डिक्रिप्ट करना है और कैसे फाइल को रिमूव करना है। सबसे पहले आप लोगों को डिक्रिप्ट कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को स्कैन कर लेना है, या फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को स्कैनिंग करनी है, उसके बाद ही आप लोग जो अपनी जो फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट कर सकते हो। ये जो बहुत ही अच्छा जो फॉर्मूला है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे जो पीसी है वो भी अंडर अटैक हो चुका था, तो उसकी वजह इस दो सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने अपनी जो सारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे रिकवर कर ली थी। तो इन जब टूलों पे जाने से पहले आप लोगों को सिंपल से जो ये टूल है स्पाई हंटर, इसको जस्ट इंस्टॉल कर लेना है। सो इंस्टॉलिंग दिस सॉफ्टवेयर, आई विल गाइड यू स्टेप बाई स्टेप्स एंड 100% वर्किंग ट्रिक। सो प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो एंड यू जेन्युइनली डिक्रिप्ट योर ओल्ड डेटा विदाउट डेटा लॉस। सो जस्ट इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर स्पाई हंटर, वीडियो लिंक एंड सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You just download, now click on English, now click on open. यहाँ पे जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ये जो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहा है। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आई एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट्स एंड एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये कुछ समय लेगा जो आपके इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो आप लोगों को सिंपली से इसे डाउनलोडिंग हो देना है। चलिए इसे डाउनलोडिंग के लिए छोड़ देते हैं, मिलते हैं डाउनलोडिंग के बाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, नेवर मिस द। It is installing successfully in your window, so just minimize it and your software is installed. You can easily see a icon, made a icon on the desktop, Spy Hunter. It took approximate 100 MB, so you can see successfully installed, and I click on finish. Now click on it and open it. It's a free software, and if you are looking for this cracked version, so downloading from my video link.
यू जस्ट सिंपली स्टार्ट स्कैन या फिर स्टार्ट क्विक स्कैन, टाइम इट्स रिकवर एंड इट्स रिमूव योर ऑल वायरसेस फ्रॉम योर पीसी एंड आफ्टर योर स्कैनिंग कंप्लीट ओपन योर स्टेलर रिकवरी टूल एंड क्लिक वन ऑफ दिस files one by one. You have to recover your data. Now your PC is virus free, so you just recover your data. I suggest you to unclick all these files and click one by one. आप इन सब में से एक एक फाइल करके धीरे धीरे आप लोग जो डेटा है वो धीरे धीरे आप लोग रिकवर कर लोगे. तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आता रहूँगा. तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वायरस को रिमूव करें. कमेंट बॉक्स में जाके डालें फ्री वायरस रिमूवर टूल क्रैक वर्जन. आप लोगों को जो वीडियो की जो लिंक की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा. ओपी इन द चैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू कैन रिकवर योर ओल्ड डेटा विद इन फ्यू स्क्रीन demo of recovering. So you just click on photos and select your drive. Now click on local disk. Now click on scan. After scanning complete, here is your files recovering from this virus. This is my files recovering from my virus. Now select the recovery path. Here you can save your recovered data. I just simply click on this desktop. Now click on select folder. Now click on start saving. So thanks for watching my videos.